नमस्कार दोस्तों, धुरंधर ओपनर रोहित शर्मा की कप्तान वाली भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से गंवानी पड़ी। चेन्नई में खेला गया तीसरा और निर्णायक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारतीय टीम को 270 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 248 रन पर ही सिमट गई। एक खिलाड़ी जो ऐसा रहा जो वनडे सीरीज में लगातार दो मैचों में फ्लॉप रहा। दोस्तों, कौन सा खिलाड़ी जो रोहित शर्मा ने अपने पैर पर कुराड़ी मारी, उसकी पूरी जानकारी देने वाला। इससे पहले आप चैनल पर नए हुए क्रिकेट के फैन है तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई में तीसरा वनडे खेला गया जिसमें भारतीय टीम को 21 रनों का हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से वनडे सीरीज जीत ली। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 248 रन पर ही सिमट गई। भारत के लिए विराट कोहली ने 54 रन बनाए, वही हार्दिक पांड्या ने 40 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जम्पा ने 45 रन पर 4 विकेट झटके। दोस्तों, हम बात करें भारतीय टीम के पेसर मोहम्मद शमी के बारे में। उन्हें तीनों मैचों में खेलने का मौका मिला लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। सवाल उठा जा रहा है कि रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट पर कि उन्हें क्यों आराम नहीं दिया गया। दोस्तों, इस सीरीज से पहले मोहम्मद शमी ने 3 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्हें 9 विकेट झटके। दोस्तों, पहले वनडे में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मोहम्मद शमी ने 17 रन देकर 3 विकेट झटके। लेकिन विशाखापट्टनम में खेला गया दूसरा मुकाबला 29 रन पर कोई विकेट नहीं मिला। तीसरा वनडे में भी 6 ओवर में 37 रन पर कोई विकेट नहीं मिला। इसी बीच सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी की जगह उमरान मलिक या जयदेव उन्नाकोड को मौका देना चाहिए था, वह टीम को फायदा पहुंचा सकते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा। हम फिर मिलेंगे अगले। जय हिंद, जय भारत।